हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डी यू एल एल बी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप डी यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एल एल बी आप डी यू से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी यू एल एल बी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डी यू एल एल बी का एग्ज़ाम क्या है? डी यू एल एल बी एक यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है अपने 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में जो आपको चाहिए वो है ग्रेजुएट। कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर जो अभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर परसुइंग हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो है 40% फॉर SCST, 45% फॉर PWD एंड जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में ज़रूरी हैं। एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं या फिर आपकी एज नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका जो मीडियम होगा वो है इंग्लिश। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इस एग्ज़ाम का मोड फिक्स नहीं है। कई सालों में देखा गया है कि ये ऑफलाइन हुआ है और कई ऑनलाइन। पिछली ईयर यानी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑनलाइन में आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो आंसर आप फिल आउट करेंगे वो आप एडिट कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो OMR शीट आपको मिलती है उसमें आपने जो आंसर टिक कर दिया वो एडिटेड नहीं हो सकता, वो एडिट नहीं हो सकता, तो वही आपको सबमिट करना होगा वैसे ही। तो एक फ़ायदा आपको ऑनलाइन में ये होता है। तो दोनों तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन भी दीजिए, ऑनलाइन भी दीजिए, दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो DULLB का है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। DULLB का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें MCQ बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 4 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो है इंग्लिश, GS, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। क्वेश्चंस का जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम एक पैटर्न देख सकते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि इंग्लिश से आपके 50-20 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स से 20-25 क्वेश्चंस होते हैं, सेम लीगल और रीजनिंग में 20-25 क्वेश्चंस आपके होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो है 100 प्लस 4 मार्क्स आपको मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 मार्क्स आपका हर रॉन्ग आंसर के लिए काट लिया जाता है। 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है जिसे आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। DULLB के जो फॉर्म्स हैं वो 2 मार्च को आउट हो जाते हैं। ऑनलाइन आप फिल आउट कर सकते हैं फॉर्म्स। 31 मार्च जो होती है आपकी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल आउट करने की। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 31 अप्रैल तक आउट हो जाता है और जो एग्ज़ाम डेट्स होती हैं वो 2 जून से लेकर 9 जून के बीच में होती है। रिज़ल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली 25 जून तक आ जाता है और जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो आपके जुलाई में होते हैं। ये डेट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं अकॉर्डिंगली, तो आप DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करते रहें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही जो सीट्स आपकी अवेलेबल फैकल्टी ऑफ लॉ में 2922 सीट्स हैं जो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलती हैं। थैंक यू।